आपको पता होगा कि अभी जो एक एडवर्टीजमेंट आया था लेटरल एंट्री का, जिसमें 45 मेंबर्स जो हैं लेटरल एंट्री के बेसिस पर हायर करने की बात हुई थी। और इस एडवर्टीजमेंट की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो लेटरल एंट्री है वो सही में एक डिसएडवांटेज है सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए? क्योंकि जब ऐसा हुआ था कि 45 वैकेंसी जो है यूपीएससी ने निकाली थी, तो ऐसा ही नहीं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को असुरक्षित महसूस हो रहा था और अनईजी महसूस हो रहा था। बहुत सारे जो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स हैं उनको भी जो है इस बात को लेकर कि लेटरल एंट्री हो रही है ऊपर लेवल पर, वो भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंता में थे। अब बेसिकली लेटरल एंट्री है क्या? लेटरल एंट्री बेसिकली इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ रिक्रूटिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम आउटसाइड द ट्रेडिशनल गवर्नमेंट सर्विस कैडर्स टू फिल मिड एंड सीनियर लेवल पोजिशन विद इन दी ब्यूरोक्रेसी। अब प्लूटस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो यही सवाल पूछ रहे थे कि क्या लेटरल एंट्री जो है वो उन्हें अफेक्ट करेगी क्या? एक यूपीएससी के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या जो लेटरल एंट्री है वो डिसएडवांटेजेस है? देखिए, पहले तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो लेटरल एंट्री होती है वो स्पेसिफिक रिक्वेसाइट के बेसिस पर होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है वेरियस मिनिस्ट्रीज़ में उनके बेसिस पर होती है। तो जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं यूपीएससी में उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो यूपीएससी में होता है। इसलिए यूपीएससी एस्पायरेंट को बिल्कुल भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सोचना ही नहीं इस बारे में, क्योंकि आपका जो रोल है, जो आपका जो पार्ट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट का, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये तो मिनिस्ट्री में जो स्पेसिफिक रिक्वेजिशंस होते हैं वहाँ पर इनकी डायरेक्ट एंट्री हो रही है। नंबर ऑफ सीट्स पे भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग फोकस करें अपनी पढ़ाई पर और यूपीएससी क्रैक करने पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।